हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का आपके चैनल ABS किचन रूम में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ चिकन की बिल्कुल नई रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो आपका चिकन बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए ये चिकन की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले सामग्री मैं ले रही हूँ चिकन। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे साफ पानी से धो लिया है। साथ ही ली हूँ प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, काली मिर्च, जीरा। तो फ्रेंड्स, इन सभी का हम बारी बारी करके पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अदरक का पेस्ट तैयार कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अदरक का पेस्ट तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम लहसुन का पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने लहसुन का पेस्ट तैयार कर लिया और आगे हम काली मिर्च और जीरे का पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने पेस्ट तैयार कर लिया दोस्तों। अब आगे के स्टेप में मैं अब एक पैन ले रही हूँ, इसमें डाल ले रही हूँ सरसों तेल। तेल को गर्म होने दी दोस्तों और अब इसमें हम प्याज को डाल दिए। तो प्याज को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो चलिए इसे अलग बाउल में निकाल लेते हैं और इसका भी पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं सिलपट्टे पे इसे पीस रही हूँ क्योंकि सिलपट्टे से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो मिक्सी पर भी इसे पीस ले सकते हैं, लेकिन सिलपट्टे पे पिसी हुई सभी मसालों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फ्रेंड्स, प्याज को बहुत ही महीन नहीं पीसना है, एकदम दरदरा ही पीस लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे पीस ली। आगे के स्टेप में मैं अब चिकन ले रही हूँ और अब इसमें मैं मिला ली दोस्तों हल्दी पाउडर, साथ ही इसमें ऐड कर ली लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, काली मिर्च और जीरे का पेस्ट और अब इसमें हम प्याज का पेस्ट ऐड कर लेंगे दोस्तों। और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ लाल मिर्च पाउडर और अब इसमें मैं नमक मिला ली। साथ ही इसमें डाल लेंगे सरसों तेल। इन सभी को डालकर हाथों से बहुत अच्छे तरीके से मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से मिला लिया। तो अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट हो गया है। तो चलिए लीड खोल कर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चिकन बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गया है। आगे का स्टेप में मैं एक बर्तन ले रही हूँ जिसमें हम चावल पकाते हैं, उस बर्तन का इस्तेमाल करके आज मैं चिकन बनाऊँगी। इसमें डाल ले रही हूँ सरसों तेल। तेल को गर्म होने देंगे दोस्तों और अब इसमें हम मिला लेंगे तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च। तो फ्रेंड्स, इन सभी को इसमें मिला लेना है और इसे अब हम अच्छे से चला लेंगे। तो इन सभी को अच्छे से चला ली। अब इसमें हम चिकन ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे चिकन को इसमें ऐड कर लिया। चिकन को डालकर इसे चला लेना है दोस्तों। और अब इसे हम ढकेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो गया है। तो चलिए लीड खोल कर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे एक बार और अच्छे से चलाएंगे और अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ टमाटर। टमाटर को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है दोस्तों। और अब इसे हम वापस से ढकेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट हो गया है। तो चलिए लीड खोल कर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चिकन अच्छे से तैयार हो रहा है। चलिए इसे एक बार चला लेते हैं।
और अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ धनिया पाउडर और अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सभी को डालकर अच्छे से चला लेना है दोस्तों। तो फ्रेंड्स अब इसे हम इसी तरह से 6 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे और इसके बाद अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी यहाँ पर मैं गर्म पानी इस्तेमाल की हूँ, तो इस गर्म पानी को तैयार कर ली हूँ और इसे जग में डाल ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स 6 से 7 मिनट हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स चिकन बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो रहा है। इसे हम चला लेंगे और अब इसमें हम पानी डाल लेंगे। फ्रेंड्स गर्म पानी डालने से चिकन बहुत ही सॉफ्ट बनता है, बल्कि जो कभी कभी चिकन खाने में रबड़ की तरह एकदम टाइट टाइप का लगता है उस टाइप का बिल्कुल नहीं लगता है। तो गर्म पानी का इस्तेमाल करके ही चिकन बनाइएगा। तो फ्रेंड्स अब इसे हम इसी तरह से ढकेंगे और धीमी आंच में 10 मिनट के लिए पका लेंगे दोस्तों। तो मैं इसे ढक दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स 10 मिनट हो गया है, तो चलिए लीड खोल कर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स चिकन कितने अच्छे तरीके से तैयार हो रहा है। और अब इसे हम एक बार चलाएंगे और अब इसमें हम गरम मसाला डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गरम मसाला ऐड कर लिया और अब इसे हम वापस से ढकेंगे और केवल 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हो गया है, तो चलिए लीड खोल कर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स चिकन तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आप इस मेथड से इस चिकन की रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और अपने अनुभव को हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलेंगे। जब तक कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।